प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों को छोड़ा था। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं, जिनको पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का एक पर्यावरण मित्र वाला अंदाज भी देखने को मिला और उन्होंने चीता मित्रों के साथ बैठकर एक साधारण व्यक्ति के रूप में चर्चा की। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का दिखा साधारण अंदाज, चीता मित्रों के साथ बैठकर की चर्चा, पीएम मोदी ने दी चीता मित्रों को सलाह, लोगों में जागरूकता फैलाने का दिया टास्क। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर जिस अंदाज में दिखे उसको देखकर हर कोई उनका कायल हो रहा है, क्योंकि जन्मदिन के मौके पर भी उन्होंने देश को सौगात देने का काम किया। पीएम ने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए 3 चीतों को छोड़ा और कार्यक्रम में शामिल डेलीगेशन से मुलाकात की। वहीं इस दौरान पीएम मोदी एक साधारण व्यक्ति की तरह चीता मित्रों से भी मिले और उन्होंने चीता मित्रों को कई टास्क देने के साथ उनके मन की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। क्या काम करना है, किस काम के लिए? चीतों की सुरक्षा करनी। अगर जा रहे हैं जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। कोई दूसरा अटैक करता है तो उसको हम बचाएंगे या वन विभाग वाले। अच्छा, आपको बताइए, ये जो पशु उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? इंसान से पशु को खतरा है। आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? इंसान को समझाएंगे ताकि वो पशु पर हमला ना करे। सर, हमारा मुख्य काम है कि वो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात है। दौड़ने वाला पीएम मोदी ने चीता मित्रों को उस पल के महत्व को भी बताया जब एक बार फिर चीते देश में नजर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चीता मित्रों को कई अन्य टास्क भी दिए। महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए सर। ये हमें 75 साल करीब करीब इंतजार करना पड़ा है। पहले यहाँ चीता होते थे, पहले सर होते थे, लोगों ने चीता की चीता जला दी। तो करीब 300 के आसपास हरे की देखा इसको करेंगे पक्का। अच्छा, आप लोगों का हम कभी लगाए? हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोग बीमार रहे हो गए, आप लोगों ने कभी स्कूल में पढ़ते हुए कभी वन्य प्राणियों के लिए चित्र बनाया, कभी वन्य प्राणियों के लिए गीत लिखा, कभी वन्य प्राणियों के लिए डिबेट में हिस्सा लिया, ऐसे हो कुछ? अच्छा, आप में तो मोबाइल फोन किसकी? हाथ तो रख दिया होगा, लेकिन है। देखिए, आप एक अपना हॉबी डेवलप कर। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फिर से चीतों को संरक्षित करने का संकल्प लिया है, जिसके अंतर्गत आने वाले 5 साल में 50 चीतों की संख्या में इजाफे का लक्ष्य बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, श्योपुर।